नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा से संबंधित आर्टिकल, अनुच्छेद या धाराएं। जो हम ये चैप्टर लेकर आए हैं यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपके MPTET वर्ग 3 की एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन निकले हैं। आज एक क्वेश्चन निकले हैं, इसलिए अब इससे रेगुलर क्वेश्चन निकलेंगे। तो जितने भी अनुच्छेद या धाराएं या आर्टिकल हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए, उन्हें माइंड में रख लीजिए, क्योंकि आप इससे रेगुलर 2 या 3 दिन क्वेश्चन निकलने वाले हैं। तो देखें, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान, ये भाग एक है, इसका हम सेकेंड पार्ट कल लेकर आएंगे। तो पहला अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 या धारा 14 में विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार दिया गया है। अब इसका तात्पर्य क्या है? इस आर्टिकल या धारा का तात्पर्य है, राज्य सभी की सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम बनाए और उन सभी को समान ढंग से लागू करे। कहने का तात्पर्य है, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति या संपत्ति या धर्म के आधार पर नियम कानून उसे अलग तरीके से प्रभावित हो। हर व्यक्ति के लिए एक ही नियम होना चाहिए। कोई भी नियम हो तो राज्य सभी के लिए समान नियम बनाए, सभी को समान तरीके से लागू करे। इस नियम के तहत शिक्षा का भी प्रावधान आता है, अर्थात शिक्षा भी सभी के लिए समान तौर पर लागू की जानी चाहिए। यह शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो देखिए, ये था आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाए तथा तो उन्हें समान ढंग से लागू करे, या समान नियम कानून उन्हें समान तरीके से लागू किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21, जो कि आज आपका 11 मार्च 2022 को MPTET वर्ग 3 में क्वेश्चन निकला है, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से कवर कर लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं ये इसमें उसमें आप 5 स्टार कर लीजिए। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका स्टार इसलिए लगा दिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आज आपका यहां था 6 से 14 वर्ष के बालकों को लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 21 ए के तहत बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। ये अनुच्छेद कौन सा है? 21 ए। और यहां से मोस्ट टॉपिक याद कर लीजिए, यह 86वें संविधान में किया गया संशोधन है, और साथ ही साथ यह भाग 3 में कहा गया है, शिक्षा बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 ए के भाग 3 में कहा गया है। कौन से भाग में कहा गया है? भाग 3 में। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 21 ए भाग 3 में कहा गया है। अब इसे ये अनुच्छेद 21 ए या आर्टिकल 21 ए धारा 21 क्या कहती है? तो धारा 21 कहती है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है, जो कि प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, क्योंकि संस्कृति और शिक्षा एक प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो राज्य को प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। एक शिक्षा बालकों का क्या है? मौलिक अधिकार है। तो इसे आप मोस्ट में डाल दीजिए। अब अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है, स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय एवं उनका अनैतिक व्यापार दंडनीय है। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा है तो इस पर मेरा पूर्णता अधिकार है, मैं इसका कुछ भी कर सकता हूं। जैसे कि आपने महाभारत काल में देखा था, द्रौपदी को जुए में दांव में लगा दिया गया था। तो इस अधिकार के तहत
अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो दंडनीय अपराध होगा। ना तो उस बच्चे का क्रय किया जा सकता है, ना ही विक्रय, और ना ही उनका अनैतिक व्यापार किया जा सकता है, ये दंडनीय है। बालकों की तस्करी, औरतों की तस्करी, अनैतिक कार्य करवाना औरतों से पूर्णतः दंडनीय है। अगला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों या जोखिम वाले कार्यों में लगाना दंडनीय है। आपने देखा होगा कहीं पेट्रोल पंप पर कारखानों में लिखा है कि इस कंपनी में, फैक्ट्री में 14 वर्ष के नीचे का कोई भी बालक कार्यरत नहीं है, क्योंकि हमारा अनुच्छेद 24 कहता है कि यदि कोई भी किसी भी कारखाने में 14 वर्ष के नीचे के या 14 वर्ष का बालक कार्य करता है तो वह दंडनीय है, और उस कंपनी और उस पेट्रोल पंप या उस दुकान पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर वह जोखिम कार्य में लगा रहा है। अब देखते हैं अनुच्छेद 28। हमने अभी आपको अनुच्छेद 14 बताया जो कहता है समता और समानता का अधिकार देता है प्रत्येक नागरिक को। अनुच्छेद 21 ए बताया जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 है जो स्त्रियों के और बच्चों के क्रय विक्रय और अनैतिक दंडनीय कार्य का को अपराध बताता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में या जोखिम भरे कार्यों में लगाया दंडनीय है। ये आपका कौन था? अनुच्छेद 24। अब देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है राज्य की सिर्फ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध है। राज्य की निधि से सहायता प्रदान किए हुए कोई शिक्षण संस्थान है और वह वहां पर धार्मिक शिक्षा देता है और तब वह निषेध है। ऐसा नहीं, यदि कोई किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, किसी जाति किसी धर्म को श्रेष्ठ बताया जाता है, दूसरे को निम्न बताया जाता है, तो निषेध है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यह हमारा अनुच्छेद 28 कहता है। ऐसा अनुच्छेद 28 कहता है यदि ऐसे कोई करता है कोई शिक्षण संस्थान तो वह दंडनीय है। अनुच्छेद 29 का भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी मार्ग के निवासी नागरिकों के अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 का कहता है कि जैसे मैं विश्वकर्मा हूँ, हिंदू धर्म पर आस्था है मेरी, हिंदू धर्म को मानता हूँ, तो मैं अपनी इस अनुच्छेद के तहत अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपनी भाषा को पूर्णतः मान सकता हूँ। यह हमें अधिकार संविधान का अनुच्छेद 29 का हमें यह अधिकार देता है, क्योंकि हमारा जो भारत है वह अनेकता में एकता है, सभी जाति सभी धर्म सभी कास्ट एक है। 29 खा नागरिकों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का अधिकार, यह हमें अनुच्छेद 29 खा प्रदान करता है। इसके तहत राज्य की निधि या सहायता से प्रदान शिक्षण संस्थान में किसी भी धर्म जाति या भाषा के आधार पर वहां पर शिक्षा से नहीं रोका जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी गुरुकुल में शिक्षण कार्य संस्कृत से चल रहा है और यदि हम वहां पर शिक्षण कार्य लेने जाते हैं तो हमें वहां पर नहीं रोका जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि आप विश्वकर्मा है तो आपको शिक्षण संस्थान में शिक्षण का कार्य नहीं मिलेगा, या कोई हिंदू किसी मुसलमान के विद्यालय में जाता है तो वहां पर उसके धर्म में जाति या भाषा के कारण वहां पर नहीं रोका जा सकता। लेकिन किंतु याद रहे यह वह स्कूल भारतीय या भारत की राज्य की निधि से संचालित हो, कहने का तात्पर्य उसे राज्य सरकार से निधि प्राप्त हो या अनुदान प्राप्त हो, या शासकीय हो या अशासकीय, क्योंकि अशासकीय विद्यालयों में भी RTE 2009 के तहत 25% जो छात्र हैं वह निःशुल्क पढ़ाए जाते हैं। तो यह थे आपके अनुच्छेद जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आपको उसका आंसर देना है। कौन सा अनुच्छेद है जो
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, अनुच्छेद 21A या 21A। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में बालकों एवं स्त्रियों को क्रय विक्रय या उनसे अनैतिक कार्य करवाना, व्यापार करवाना दंडनीय है? तो आपने जो बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23। आपने जो आंसर बताया बिल्कुल सही बताया, अनुच्छेद 23। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।